नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम शुरू कर रहे हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में का मतलब x और y, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा है समपाती रेखाएं हो। इसका मतलब यह है कि एक समीकरण हमें दी है, दूसरी समीकरण हमने एक ऐसी बनानी है ताकि उन दोनों का रैखिक युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए। तो देखिए, यदि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो बच्चों हमने जो इस के शुरू में एक टेबल पढ़ा था, ये आपको याद होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता? a1 बटा a2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा, तो हमें ऐसी रेखाएं बनानी है। अब इसमें देखिए, पहली जो रेखा है वो हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें दूसरी रेखा बनानी है, तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होने चाहिए, यानी इनके अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए। तो कुछ भी लिख दो, 5x प्लस 7y, ताकि 2/5 यहाँ आ जाए, 3/7 यहाँ आ जाए, ये आपस में बराबर नहीं है, यही हमें चाहिए। यहाँ जो मर्जी लिख दो आप, बराबर 0, ठीक है। अब इसमें a1 बटा a2 होगा 2/5, b1 बटा b2 होगा 3/7, तो a1 बटा a2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों, यही हमें इसमें करना है, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए, अब उत्तर क्या आया, कई बच्चों को ये नहीं समझ आएगा कि उत्तर क्या है। पूछा क्या गया हमसे, हमसे कहा गया एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। तो ये जो हमने रैखिक समीकरण लिखी है, ये है उत्तर। एक और रैखिक समीकरण लिखनी थी, ये हमने लिख दी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा भाग है समांतर रेखाएं हो, ठीक है। यदि फिर से वही यदि समांतर रेखाएं हो तो फिर से हम चार्ट देखते हैं। देखिए, समांतर रेखाएं कहाँ हैं, ये रही। तो समांतर रेखाओं तो क्या होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर होता है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो यही कंडीशन आप यहाँ लिख दो, लिखी इसलिए है ताकि आपको याद रहे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अब हमारी जो पहली इक्वेशन है वो तो हमें दी ही हुई है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8। अब हमने कोई ऐसी रेखा बनानी है बच्चों जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आए। तो क्या करो, इन दोनों को 2 से 3 से 4 से कोई एक नंबर लेके उनसे गुना कर दो। मान लो मैंने संख्या ली है 4, तो 4 को 2 से गुना किया, 8x प्लस जो यहाँ निशान यहाँ है वही निशान यहाँ रहेगा। 3 को भी 4 से गुना कर दो, 3 चौके 12y, लेकिन तीसरी रकम को हमने उसी नंबर से गुना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर आना चाहिए, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ कोई भी और संख्या लिख दो, बस वो इसके 4 गुने के बराबर नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, मैंने यहां 15 लिख दिया। अब देखो ए वन बटा ए टू आया 2/8, बी वन बटा बी टू आया 3/12। 2/8 को काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया 1/4। 3/12 को काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये भी आ गया 1/4। ठीक है, और सी वन बटा सी टू देखेंगे तो वो आएगा -8/15। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी हो गई गलती से, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ए वन बटा ए टू 1/4 है, बी वन बटा बी टू 1/4 है, लेकिन सी वन बटा सी टू -8/15 है। तो इसका मतलब ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के तो बराबर है, लेकिन सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, समांतर रेखा निकाल समीकरण निकालनी थी। तो वो समीकरण कौन सी है, ये वाली है समीकरण। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल दी है। आइए इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है संपाती रेखाएं। ठीक है, हम फिर से इसको वैसे ही शुरू करेंगे। यदि संपाती रेखाएं हो तो, संपाती रेखाएं हो तो चार्ट में दिखा देता हूं आपको, मुझे तो वैसे याद है। ए वन बटा ए टू बराबर होता है बी वन बटा बी टू के, और वो बराबर होता है सी वन बटा सी टू के। यानी ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू, सी वन बटा सी टू, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो होती है संपाती रेखाएं। तो ए वन बटा ए टू बराबर होगा बी वन बटा बी टू के, और ये बराबर होगा सी वन बटा सी टू के। ठीक है बच्चों, तो पहली रेखा हमें दी हुई है 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। तो मुझे दूसरी एक ऐसी रेखा बनानी है इसके साथ ताकि इनका अनुपात बराबर रहे। तो आइए देखते हैं, तीनों का अनुपात बराबर चाहिए, तो एक नंबर कोई भी लेकर तीनों को गुना कर दो। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 2, तो 2 को 2 से गुना किया 4x, प्लस का निशान सेम। 3 को 2 से गुना किया 6, साथ में y, माइनस 8 को 2 से गुना किया 16 बराबर 0। अब हम देखते हैं इनके अनुपात। ए वन बटा ए टू 2/4, बी वन बटा बी टू 3/6, सी वन बटा सी टू -8/-16। आइए इसे हल करके देखते हैं। 2/4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2 के बराबर। बी वन बटा बी टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2 के बराबर। सी वन बटा सी टू माइनस से माइनस कट गया, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये भी आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं कि ए वन बटा ए टू है 1/2, बी वन बटा बी टू है 1/2, सी वन बटा सी टू है 1/2। तो यही हमें सिद्ध करना था ना कि ए वन बटा ए टू बराबर बराबर है बी वन बटा बी टू के, और बराबर है सी वन बटा सी टू के। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर कौन सा है, हमारा उत्तर है ये जो हमने समीकरण बनाई है, ये हमारा उत्तर है असल में। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा टाइट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये जिस सरलता से हमने ये क्वेश्चन किया है आपको ये अवश्य समझ आया होगा। यदि समझ आया बच्चों तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।